सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शांति वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है स्वागत है वेद मूलम वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का आर्यों का परम कर्तव्य है अपने निज कर्तव्य को हम कैसे जाने जब तक हम अपने कर्तव्यों को नहीं जानेंगे जब तक अपने को सुसंस्कारित नहीं बनाएंगे अपने इस सांसारिक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए हमको ऋषियों का ज्ञान वेदों का ज्ञान जरूर आत्मसात करना होगा जिससे हम अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन कर सकेंगे और यह श्रुति यह कल्याणी वेदवाणी हमारे स्वधर्म का स्वकर्म का दिग्दर्शन करने वाली यह वाणी है यह विद्या है थोड़ा समय लगा करके हम स्वाध्याय ज़रूर करें और इस वेद के अध्ययन से इसके सुनने सुनाने से पढ़ने पढ़ाने से हमारे जान चक्षु खुल जाते हैं हमारे सामने जो तिमिर होता है जो अंधकार होता है वह पर्दा वह अंधकार स्वयं छट जाता है हट जाता है निरंतरता से हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं आज आठवें मंडल के तैतीसवें सूक्त का उन्नीसवा मंत्र आपके समक्ष रखूंगा जिसमें एक जो सुशील और बहुत ही शुचिता पवित्रता से कर्तव्य निष्ठा से अपने गृहस्थ जीवन का निर्वहन करने वाली जो देवी है जो पत्नी है जो पतिव्रता स्त्री है उसके क्या गुण हैं क्या गुण होने चाहिए यह बहुत ही सुंदर प्रसंग है बहुत सुंदर यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है निरभिमान्यता व शालीनता ये दो गुण विशेषकर उस पतिव्रता स्त्री के जरूर होने चाहिए जो स्वयं अपने जीवन को और अपने घर परिवार और संपूर्ण जो संबंध हैं जो उत्तरदायित्व हैं उनका निर्वहन बहुत ही यशस्विता के साथ करें उसके लिए बहुत सुंदर आज का जो परिवेश है उस परिवेश के लिए भी यह एक सीख है यह एक शिक्षा है यदि हम इसको समझ करके जीवन को जिएंगे तो निसंदेह घर स्वर्ग के समान बन जाएगा पतिव्रता स्त्री और जो पति है उसके लिए भी उपदेश हैं निरंतरता से हम पढ़ ही रहे हैं तो प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं फिर आगे चर्चा करूंगा ओम अधाः पश्यस्व मोपारी संतराम पादकौ हरः माते कश्पलकौ कशपल्ल दृशन स्त्री शंक्त स्त्री ही ब्रह्मा बहु विथा ऋग्वेद के आठवें मंडल का तैतीसवां सूक्त है, है जिसका उन्नीसवां मंत्र है यह बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है यहाँ मातृशक्ति को गौरव देने के लिए एक सच्ची स्त्री पतिव्रता स्त्री का जो गौरव होना चाहिए वास्तव में इस वेद मंत्र में वहाँ दर्शाया गया है ओ अध पश्य स्वोपारी संतरा पाद गौहरा माते कशप्लको दृशंत स्त्री ब्रह्म बभूविथ ओ मध्य स्वोपारी संतराम पादक माते कशप्लको दृशंत स्त्री ब्रह्म बभूविथ बहुत ही सुंदर बात कही है स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ एक आदर्श नारी का भारतीय नारी का एक वैदिक नारी का पत्नी का क्या स्वरूप है उसकी क्या मर्यादा है उसका क्या अनुशासन है उसकी क्या सात्विकता है इस वेद मंत्र को हम समझ लेंगे तो निसंदेह ऐसी हमारी जो मातृशक्ति है जो बहन बेटियां हैं जो अपने जीवन में क्या करना है क्या उनका आचरण होना चाहिए पति के घर में कैसे रहना चाहिए और एक स्त्री को कैसे वर्ताव करना चाहिए उसके विषय में सुनेंगे समझेंगे और उसको आचरण में उतारेंगे तो उन्हें संदेह जीवन और यह जगत अतिशय कल्याण से युक्त होगा जो स्त्री का जो मातृशक्ति का स्थान हमारे भारतीय परंपरा में ऋषि परंपरा में है वास्तव में अद्भुत है अद्वितीय है वेद के इस मंत्र में बहुत सुंदर उपदेश किया गया है कि एक पतिव्रता स्त्री को कैसे रहना चाहिए उसका आचरण उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए तो इसमें कहा कि वह नम्र हो विनम्रता से युक्त हो विनम्र होना चाहिए और इसी में उसकी प्रतिष्ठा है मंत्र का उपदेश है अधा पश्यस्व। अर्थात वह नीचे देखे माँ ऊपरी ऊपर नहीं अर्थात जो स्त्री का स्वभाव है जो मातृशक्ति का स्वभाव है उसकी दृष्टि इतनी पवित्र हो कि उसका एक बार दर्शन मात्र से उसके प्रति श्रद्धा हो जाए यहाँ पर जो बात कही है कि अधापश्यस्व नीचे देख ऊपर नहीं और तेरे अंदर वह गर्वित स्वभाव ना हो अहंकार का स्वभाव ना हो अति चंचलता ना हो इंद्रियों पर तेरा नियंत्रण हो इसका परिचायक यह जो गुण है अधापश्यव पश्यस्व नीचे देख तथा तू घर में शासन करने वाली अवश्य है लक्ष्मी है घर का शासन अनुशासन सारी व्यवस्था देखने वाली है तू पर तू पादक यहाँ पर कहा मोपारी संतराम पादक घर कहा कि तेरे पावों को संघार तराम मिला कर के रखने वाली हो अर्थात तेरे चरण बहुत ही व्यवस्थित और अनुशासित हों इधर उधर उच्छता में चंचलता में तेरे पैर इधर उधर ना जाएं, असभ्यता से तेरे पैर इधर उधर फैले नहीं बिखरे नहीं चंचल प्रवृत्ति ना हो तेरी और इस प्रकार से तू अपने वस्त्रों को धारण कर तेरे वस्त्र तेरी शीलता तेरा भूषा का जो स्वभाव है वह अति मर्यादित हो और अपने शरीर को ढक करके रख वेद मंत्र में आया ते तेरे कश पु टखने व निचले अंग मा दृशन नहीं दिखे अर्थात तेरे वस्त्र ऐसे हो कि तेरे शरीर के अंग दिखे नहीं टखने के निचले अंग माद्रशन नहीं दिखे वस्त्रों से तो अपने आप को ठीक प्रकार से आवृत कर जिससे तेरे जो अंग हैं प्रत्यंग हैं, जो मर्यादित व्यवस्थित हैं, उनको प्रदर्शन का अपने शरीर का प्रदर्शन ना कर वो ना दिखे वस्तुतः इस प्रकार के आचरण वाली स्त्री निश्चय से गृह यज्ञ को इस गृहस्थ रूपी संस्थान को सुव्यवस्थित चलाती है जो स्त्री अपने वेशभूषा का ध्यान रखती है अपनी वाणी का ध्यान रखती है अपनी इंद्रियों पर जो नियंत्रण रखती है उसका घर परिवार बहुत ही व्यवस्थित अनुशासित होता है मर्यादित होता है उनकी संतानें भी श्रेष्ठ होती हैं और क्या कहा कि इस यज्ञ की एक जीवन यज्ञ गृहस्थ रूपी यज्ञ और जो यज्ञ हम करते हैं वो भी कहा तो ही वास्तव में ब्रह्मा सर्व मुख्य ऋत्विज है बभूविथा होती है इसी से इस यज्ञ को निर्दोष बनाना है जिस यज्ञ को हम कर रहे हैं इस संपूर्ण यज्ञ ही संपूर्ण हमारा जीवन यज्ञ के समान है और इस यज्ञ में स्त्री का जो मातृशक्ति का स्थान है वो ब्रह्मा के समान है ब्रह्मा मुख्य ऋत्विक के समान है जिसके द्वारा ही ये सारा यज्ञ संपन्न हो सकता है चाहे गृहस्थ रूपी यज्ञ हो चाहे संसार का यज्ञ हो हम यदि अपने घर परिवार को सुंदर सफल बनाना चाहते हैं तो अपनी मातृशक्ति को अपनी स्त्रियों को अपने माताओं को हम अनुशासन में रखें और माताओं का यह कर्तव्य है कि उनका जो स्वभाव जो शीलता है आज का जो परिवेश हम देखते हैं सारे संसार में होड़ लगी हुई है अंग प्रदर्शन का चारों ओर ऐसा तांडव चल रहा है कि जहां भी जिस शहर में जाए जिस नगर में जाए जिस आप जो है कोई कार्यक्रम देखते हैं उसमें भी लोगों ने स्त्री को भोग की प्रदर्शन की वस्तु बना दी है आज ये हमको निर्णय करना पड़ेगा हमको अपनी वैदिक संस्कृति का अपने संस्कारों का गौरव बढ़ाना है अपने घर परिवार समाज को सुंदर और अनुशासित बनाना है मर्यादित बनाना है वास्तव में इसको निराभिमान्यता से और शालीनता से युक्त करना है तो ये माता निर्माता भगवती कन्या हो या बालिका हो या स्त्री के रूप में हो उसका जीवन अत्यंत श्लाघनीय होता है त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति होती है वह अपने संतानों को अपने घर परिवार को बढ़ाने वाली होती है उनका संवर्धन करने वाली होती है हर प्रकार से वह ब्रह्मा है इसलिए तो हमारे शास्त्रों में कहा यत्र नार्यस्तु पूजनते रमन्ते तत्र देवता जहाँ पर नारियों का सम्मान है स्त्रियों का सम्मान है मातृशक्ति का सम्मान है वास्तव में देवता वहीं पर वास करते हैं देवत्व के गुणों से सबको युक्त करते हैं सबके अंदर वो धीरता वीरता गंभीरता का पुट देते हैं लेकिन जो इस प्रकार से जीते हैं उन्हीं को जिनके जीवन में यह स्वधर्म स्वकर्म नहीं है वह कभी भी अच्छे नहीं बन सकते हैं तो स्त्री का जो स्वभाव होना चाहिए वह निर्अभिमानता का शालीनता का और गृहस्थ यज्ञ की ब्रह्मा बनती है वो। उससे बढ़कर के कोई त्यागी तपस्वी नहीं होता जो प्रभात से लेकर के रात्रि शयन पर्यंत अपना संपूर्ण अस्तित्व सेवा में लगाती है और जिस भी उत्तरदायित्व को निभाती है प्राण अर्पण से निभाती है कभी भी उसका मूल्यांकन कम नहीं करना चाहिए उसका मूल्यांकन तो उसकी सेवा का मूल्यांकन उसके स्वभाव और उसकी तपस्या का मूल्यांकन हमको सर्वोपरि करना चाहिए यह हमारी वैदिक परंपरा है गृहस्थ यज्ञ को यही निर्दोष व निर्विघ्न बना करके पूर्ण करती है बिना स्त्री के बिना पत्नी के बिना माता या बहन बेटी के रूप में जितनी भी सेवाएं घर में ये मातृशक्ति के द्वारा होती है उतनी पुरुषों के द्वारा नहीं हो पाती यह निर्विवाद सत्य है जिस घर में मातृशक्ति नहीं है वह घर वास्तव में अंधकारमय होता है वहाँ पर भूतों का वास होता है ऐसा भी कहते हैं क्योंकि जो करुणा जो प्रेम जो वात्सल्य जो सेवा जो सत्कार जो ये कहें कि आत्मनिरीक्षण के साथ उत्साह देना साहस देना तथा अपने जीवन और इस जगत की समस्याओं के समाधान में जो एक बुद्धिमती स्त्री पत्नी अपना मंतव्य जब रखती है या अपनी सेवा से सबको तृप्त करती है तो सारे शोक संताप दूर हो जाते हैं इस घर परिवार की जो व्यवस्था है जो सेवा है उसको निर्विघ्न बनाती है इसे नम्र होना चाहिए सभ्य चाल वाली होना चाहिए तथा ठीक से वस्त्रों का धारण करना चाहिए बहुत ही सुंदर बात है कि जब हम अपने वेशभूषा का ध्यान नहीं रखते अपने चाल चलन का ध्यान नहीं रखते तो उससे समाज में संसार में निंदा होती है लेकिन यदि हम अपने गंतव्य को अपने प्राप्तव्य को ठीक करना चाहते हैं तो जैसा यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है कि स्त्री को अपने भोग की वस्तु नहीं समझना चाहिए उसका सम्मान करें तथा स्त्री को भी पत्नी को भी मातृशक्ति को भी अपने गौरव का पूरा ध्यान रखना चाहिए आज का ऐसा दूषित परिवेश हो गया है जहाँ पर आप देखें नित्य प्रति नए नए जो है षडयंत्र नई नई चीज़ें आती हैं और फैशन के नाम पर हमारी जो मातृशक्ति जो बहन बेटियां हैं बहू हैं या घर पत्नियां हैं जो अपने जीवन को अपने स्वभाव को अच्छा बनाना चाहती हैं उनके जीवन में भी अनेक प्रकार के लोग विष घोलने का काम करते हैं हम सजग हो जाए हम चेते हम जो नारी शक्ति है उसको सशक्त करें ये सदा से ही वो सम्मान का गौरव का भाव रखी हैं और वेदों में उपनिषदों में दर्शनों में या हमारी जो साहित्य परंपरा है ऋषियों की जो परंपरा है सदा नारी का उच्च स्थान रहा है हम नारी को भोग की वस्तु ना समझें वह तो त्याग तप और समर्पण की प्रतिमूर्ति होती है परंतु तो याद रखें यह या प्रदर्शन की वस्तु नहीं है यह भोग की वस्तु नहीं है पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं लेकिन हमारी संस्कृति मेरे वो शब्द मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ स्त्री को पत्नी को लोग क्या क्या कहते हैं लेकिन हमारे संस्कृति में हमारे संस्कारों में सदा उसका उच्च स्थान होता है इसलिए यह भी हमको स्मरण रखना चाहिए विशेषकर माताओं को ध्यान रखना चाहिए कि उनका शील स्वभाव उनके वस्त्र उनकी चाल उनकी दृष्टि बहुत ही मर्यादित व्यवस्थित हो अनुशासित हो उसमें किसी भी प्रकार का लेश मात्र क्लेश ना हो कोई भी दुख ना हो लेकिन उनको पूर्ण गौरव के साथ यह जीवन कुछ के नहीं हम तो स्वतंत्र हैं हम तो जो है जो पुरुष वर्ग है उससे हम कम नहीं हैं बिल्कुल कम नहीं हैं वो प्राचीन काल से ही युद्ध की कला में हमारे देश में वीर वीरांगना ऋषि रिशी, ऋषिका ये सब जगह बोला जाता है और हमारे ग्रंथों में भी सदा ही चाहे वो रामायण काल की बात हो महाभारत काल की बात हो या आज के आधुनिक काल की बात हो भारतवर्ष तो सदा ही स्त्रियों का मातृशक्ति का सदा मान रखा है आज पुनः आवश्यकता है इसकी मैं मातृशक्ति से निवेदन करूँगा इस वेद मंत्र को आत्मसात करें और ऐसा जीवन जिए जो वास्तव में श्लाघनी हो जो उन्नत जीवन हो इसलिए कहा है नारियां देश की घर संभल जाए तो देविया राष्ट्र की घर संभल जाए तो देश फिर से जगत गुरु बन जाएगा ओम का ध्यान हो वेद का ज्ञान हो ओम का ध्यान हो वेद का ज्ञान हो पाप तापों का अवसान हो जाएगा राष्ट्र की संभल जाएं तो तो हमारी यह नारी शक्ति हमारे सभी ऋषियों ने मान किया है और महर्षि देव दयानंद जी ने तो सबसे बड़ा मान दिया है वही मान सम्मान वही जो गौरव है पतंजलि योग पीठ के द्वारा भी परम पुष्पी स्वामी जी महाराज के द्वारा भी स्त्रियों को मातृशक्ति को सबसे ज्यादा दिया जाता है तो उनको अपनी मर्यादा का अपने अनुशासन का अपने संयम का अपने वस्त्रों का अपने चाल का अपने इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रख करके अपने गौरव को बढ़ाना है यह प्रयास होना चाहिए तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को ही विराम करेंगे शेष चर्चा गरी कक्षा में ओ शांति ही, शांति ही, शांति ही।